नमस्कार, मेरा नाम कोटिया प्रकाश मथुर है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 दिन में चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ। चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं यूटी ऑफ दमन दीव से हूँ। श्री औरबिंदो सोसाइटी ZIIER और HDFC के माध्यम से ये जो नवाचार टीचरों को सम्मानित किया जाता है उसमें मुझे उन्होंने चुना, ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ आने का मौका दिया। मेरा नवाचार, मैं चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे सभी सब्जेक्ट एक साथ लेने पड़ते हैं। तो लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट होता है, उसमें लैंग्वेज का सब्जेक्ट में जो हिंदी है, गुजराती है और इंग्लिश है। गुजराती की बात की जाए, क्योंकि हमारे दमन दीव और दीव में गुजराती में ही होता है, तो गुजराती में कई लेसन ऐसे होते हैं जो नाट्य के रूप में होते हैं। पहले क्या होता था, मैं लेसन लेता था तो बच्चों को पढ़ाता, उसके बारे में समझाता और क्वेश्चन पूछता और कुछ कुछ जवाब मिलता। लेकिन ये जो लेसन आया कि वो नाट्य के रूप में था, तो मैंने वो उस बच्चों मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें बच्चों को भागीदारी ली जाए। तो बच्चों को मैंने जो पात्र थे वो सौंप दिए, उनको पर्ची बना के दी कि आप लोग इनको पढ़ के आइए। और बाद में दूसरे दिन वो लोग आए तो वो जो लेसन लिया वो बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैंने सोचा कि अगर ये लेसन अच्छा रहा है तो दूसरे जो लेसन है गुजराती में वो भी तो कहानी के रूप में है, उसमें भी तो पात्र होते हैं, तो क्यों ना ये लेसन भी ऐसे लिया जाए। तो मैंने ये कोशिश की और सभी जो लेसन थे उसको एक पात्र के रूप में देने का प्रयत्न किया। इससे क्या हुआ कि जो बच्चे हैं वो जिज्ञासा अपनी व्यक्त करने लगा, कहने लगा कि सर मुझे भी ये पात्र करना है। जो निरस थे, जो शांत बैठे रहते थे, वो विद्यार्थी भी इसमें भागीदारी लेने लगे। तो इससे ये फायदा हुआ कि सभी बच्चे इसमें एक साथ इन्वॉल्व होने लगे और सभी ध्यान से पढ़ने लगे। और पाठ के लेसन के बाद जो क्वेश्चन होता है वो मैंने इस नवाचार के बाद, ये प्रैक्टिस करने के बाद ये मैंने पूछा प्रश्न, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको जवाब दे पाए। इसलिए मुझे लगा कि ये पद्धति अपनानी चाहिए और मेरे दिमाग में इसके लिए ऐसा विचार आया कि जो पाठ है वो नाट्य के रूप में देना चाहिए, तो बच्चे हैं वो सही तरह से समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसान से जवाब भी देते हैं। नमस्कार।